साल 2022 में देश और दुनिया से लगातार प्राकृतिक आपदाओं की खबरें आती रही हैं। अब भीषण बाढ़ के बाद लीबिया में दो बांध ढह गए, जिससे उत्तरी अफ्रीकी देश में कथित तौर पर 2000 से अधिक लोग मारे गए हैं। लीबिया के पूर्वी संसद समर्थित प्रशासन के अध्यक्ष ओसामा हमद ने सोमवार को मरने वालों की संख्या की पुष्टि की है। बाढ़ के कहर से सबसे ज्यादा डरना शहर प्रभावित हुआ है। लीबियाई राष्ट्रीय सेना के प्रवक्ता ने कहा कि पानी निवासियों सहित पूरे पड़ोस को समुद्र में बहा चुका है। वर्तमान में 5000 से अधिक लोग लापता हैं।